हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपूर्वास किचन सीक्रेट। इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो। सिंगदाना की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे मेजरमेंट कम से डेढ़ कप मैं यहां पे सिंगदाना लूंगी। कढ़ाई को मैंने बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर दिया है और उसके बाद सिंगदाना डाल के मीडियम फ्लेम पे मैं इसे रोस्ट करूंगी। आपको यहां पे ध्यान रखना है कि सिंगदाना को हाई फ्लेम पे मत भूनेगा, नहीं तो ये जल जाएगा और अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं, इसलिए आप इसे मीडियम से लो फ्लेम पर ही इसे भूनिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो सिंगदाना अच्छे तरीके से भून गया है और गैस जो है मैं बंद करके इसे मैं एक थाली में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमें सिंगदाना को ठंडा करना है और ठंडा होने के लिए इसे रख देना है। तो मैंने यहाँ पे इसे साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे आपको सबसे पहले टिप ये ध्यान रखनी कि सिंगदाना को हाई फ्लेम पे मत रोस्ट करिएगा, आप इसे मीडियम से लो फ्लेम पे करिएगा। तो अभी यहाँ पे जो सिंगदाना है वो ठंडा हो चुका है और अभी मैं इसका जो है इसे जो छिलके हैं उसे मैं निकाल दूँगी। आप देख सकते इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, सिंगदाना को अलग करना है। तो मैंने क्या किया, एक थाली लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिया है और उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी, ये जो सिंगदाना है इसे डाल दूँगी। इससे क्या होगा, ये जो सिंगदाना का जो छिलका है वो अलग हो जाएगा और जो सिंगदाना है वो अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको करना है, इससे क्या होगा सिंगदाना जो है सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। उसी तरीके से जो बचे हुए सिंगदाना उसको भी मैं सेम प्रोसेस करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये सिंगदाना जो है ये अलग हो गया है और उसके छिलके अलग हो गए हैं। उसके बाद मैं इसको भी बाउल में डाल दूंगी। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे मेज़रमेंट कप से 2 कप मैंने पानी डाला है और इसे 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देना है सिंगदाना को। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने रख दिया है पानी डाल करके। उसके बाद सेम कढ़ाई में मैं चना दाल को रोस्ट करूंगी। यहाँ पे हमें कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है और यहाँ पे 2 टेबल स्पून चना का दाल डालना है और इसे लो फ्लेम पे हमें भूनना है। आप इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे मत भूनेगा, नहीं तो ये जो चना का दाल है वो जल जाएगा। तो हमें इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, बस हल्का सा हमें भूनना है। उसके बाद भूनने के बाद मैं इसे क्या करूँगी कि इसे नॉर्मल पानी में फूलने के लिए 2 घंटे के लिए रख दूंगी। जैसे हमने सिंगदाना रखा था सेम वैसे ही चना के दाल को रखना है। आपको इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है चना के दाल को, नहीं तो वो जल जाएगा। तो अभी यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और अभी हमें क्या करना है, सिंगदाना को पीसना है हमें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो सिंगदाना है इसे मैं डाल दूंगी मिक्सी जार में। और आप ये पीनट की चटनी जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे इडली के साथ खा सकते हैं, अप्पे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी ये चना दाल जिसे हमने इसे फूलने के लिए रख दिया था 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं चना की दाल को भी डाल दूंगी और इसमें मैं पानी डालूंगी। यहाँ पे मेजरमेंट कप से पहले मैंने 1/2 कप पानी लिया है, ये नॉर्मल पानी है, और इसे एक बार मैं मिक्सी में पीस लूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने एक बार पीसा है और उसके बाद जो 1/2 कप पानी बचा था उसको भी मैं फिर से डाल करके एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। हमें यहाँ पे दरदरा नहीं पीसना है, हमें यहाँ पे इस तरीके का स्मूथ पेस्ट बनाना है सिंगदाना का। तो अभी हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है और इसमें करीब 1 कप पानी लगा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तेल जो है गर्म कर लिया है कढ़ाई में और उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे सरसों, उसके बाद मैं डालूंगी हींग, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी करी पत्ता। यहाँ पे मैं सूखी करी पत्ता यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी हरी मिर्च और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पे डालेंगे सिंगदाना का ये जो हमने पेस्ट बनाया था वो अब हम इसमें डाल देंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे सिंगदाना की जो पेस्ट है ना उसे तेल में डालना है, एक बार में आप मत डालिएगा। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगी कि 1/2 कप के करीब मिक्सी में पानी लेके जो बाकी का जो सिंगदाना का पेस्ट था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे चटनी को अच्छे तरीके से मिला लूँगी और आप देख सकते हैं कि ये जो चटनी है अभी गाढ़ी लग रही है, तो हम यहाँ पर और पानी मिलाएंगे। आप जितना गाढ़ा चटनी रखना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब जो है पानी डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने ये नॉर्मल पानी लिया है और गैस का फ्लेम मैं हाई करके इसे उबलने के लिए रखूँगी। तो सबसे पहले मैं इसे मिला लूँगी और इतनी गाढ़ी चटनी काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं नमक डालूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसको मिला लूँगी और उसके बाद हाई फ्लेम पे मैं चटनी को उबलने के लिए रख दूँगी। तो अभी मैंने इसे मिला लिया है और उसके बाद मैं इसे उबलने के लिए रख दूँगी। तो
तो यहाँ पे इतनी गाढ़ी चटनी काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि जो चटनी है वो उबल गई है और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाती है। और जब गाढ़ी हो जाती है तो आप इसमें और भी ज़्यादा पानी जो है ऐड कर सकते हो, बट एक बार में आप ज़्यादा पानी मत ऐड करना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार फिर से मैंने मिला लिया और जो चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इतनी गाढ़ी चटनी अच्छी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की चटनी होनी चाहिए। आप चाहे तो इसे और भी पतला चटनी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और उसके बाद मैं इसे फिर से एक बार छौंक डाल दूंगी जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये बिल्कुल वही छौंक है। और उसके बाद इसे मैं मिला लूंगी और ये चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है और ये बहुत ही यम्मी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। आप इसे इडली के साथ खा सकते, अप्पे के साथ खा सकते इस दाना की चटनी को, और ये बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे हिट करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और टिप्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको सिंगदाना और चना के दाल को ज़्यादा हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है, आपको उसे लो से मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है।